वेल, आप में से काफी लोग बोलेंगे कि कैमरा सेटअप में क्या खराबी है, क्योंकि इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन बात 64 मेगापिक्सल की नहीं है यहाँ पे, बात है यहाँ पे कैमरा सेंसर टाइप के बारे में। जी हाँ, वन प्लस नोड सीई यानी कि कोर एडिशन। अगर देखा जाए वन प्लस ने काफी सारी इसकी मार्केटिंग करी है, काफी सारी ब्रांडिंग करी है, इसके अलावा काफी सारी ने इसकी हाइप क्रिएट करी है, लेकिन क्या ये सभी चीजें वर्थ ही है? देखना पड़ेगा। खैर, अपनी इस वीडियो में हम लोग डिटेल रिव्यू करेंगे वन प्लस नोड सीई का, देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स, क्या कुछ हमें इसमें नया देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ पुराना है, और क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं, ये सभी चीजें अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर, मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो पे टारगेट रख रहे हैं 20 लाइक्स का और 10 कमेंट्स का। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी देन इस पे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे पता है कि आप लोग ये टारगेट तो पूरा कर ही देंगे। खैर, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। सो वन प्लस नोट कोर एडिशन के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को अभी तक पता चल ही गए होंगे कि क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए स्मार्टफोन को आए हुए, तो सभी जगह पर एक ही चीज रिपीट हो रही है, वन प्लस नोट सीई, वन प्लस नोट सीई। तो अभी हम लोग ना डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ गुड थिंग्स के बारे में जो इसमें अच्छी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ बुरी चीज़ों के बारे में जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो वन प्लस ऐड कर सकती थी लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया कॉस्ट कटिंग के कारण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। सबसे पहला हमारे पास में जो पॉइंट निकल कर आता है ना, वो आता है बैटरी बैकअप। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ हमें 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी और इन दी बॉक्स चार्जर भी देखने को मिलता है। खैर, ये कोई आम चार्जर नहीं है, ये वॉर्प चार्जर है 30T वोल्ट का। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो स्मार्टफोन है ये 30 मिनट में 70% तक चार्ज कर देगा, ऐसा वन प्लस ने क्लेम किया है। खैर, अगर देखा जाए देन काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है डिस्प्ले के बारे में। इसमें हमें 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में हमें 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। खैर, यहाँ पर इन्होंने सैम्पलिंग रेट वगैरह नहीं बताया, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है 3.5 mm जैक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो देन वन प्लस नोट जो पहला ही स्मार्टफोन आया था उसमें हमें कोई भी 3.5 mm जैक नहीं देखने को मिला था, और यही एक वन ऑफ द मेन रीजन था कि वन प्लस की अगर वन प्लस नोट की अगर सेल नीचे गिरी थी तो वो 3.5 mm जैक के कारण गिरी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने 3.5 mm जैक वाला स्मार्टफोन परचेज कर लिया इंस्टेड ऑफ वन प्लस नोट, और कहीं ना कहीं इसने इसकी सेल को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। तो अभी वन प्लस ने क्या किया, 3.5 mm जैक जो है वो वन प्लस नोट सीई में वापस ले आए, और अभी आप लोग वायर्ड ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इशू के। वन प्लस नोट कोर एडिशन को परचेज करने का वन ऑफ द मेन रीजन है ऑक्सीजन ओएस। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि इस प्राइस रेंज में ना हमें काफ़ी सारी कंपनीज के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमें रियलमी का देखने को मिल जाता है, शाओमी का देखने को मिल जाता है, आईक्यू का भी देखने को मिल जाता है, वीवो ओप्पो सभी के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं ऑलमोस्ट हमें। लेकिन इनका जो यूआई है ना, यानी कि जो यूज़र इंटरफेस है, वो काफ़ी ना एड्स से भरा हुआ है, उसमें ब्लॉटवेयर्स वगैरह काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, एड्स काफ़ी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए ना ऑक्सीजन ओएस की, देन इसमें ना आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फील देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कोई भी एड्स वगैरह नहीं देखने को मिलती है, और इसी के कारण लोग ना वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है, इसको परचेज करने का वन ऑफ द मेन रीज़न हो जाता है कि ऑक्सीजन ओएस। तो इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें हमें NFC देखने को मिल जाती है, जैसे कि 3.5 mm जैक मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और 5G वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये तो थी अच्छी चीज़ें, लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बुरी चीज़ों के बारे में जो मुझे बुरी लगी। खैर, वन प्लस जो है इनको बुरी बनने से रोक सकता था, इसको इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन वन प्लस ने ऐसा नहीं किया, और वन प्लस ने कॉस्ट कटिंग करते करते काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स जो हैं रिमूव कर दिए जो इनको नहीं करने चाहिए थे। तो बात करते हैं हमारे
अभी सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। खैर मेरे इस पॉइंट से वन प्लस के जो फैंस है ना वो भी सहमत होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी अगर देखा जाए और डिजाइन देखा जाए, डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। जो डिजाइन है अगर देखा जाए, वो डिजाइन में कोई मेजर चेंजेस हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर डिजाइन हमें देखने को मिल रहा है जैसा हमें वन प्लस नोट में देखने को मिला था, बस थोड़े बहुत से चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो बिल्ड है वो हमें इस बार पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल रही है, प्लास्टिक डिजाइन देखने को मिल रहा है। पहले क्या था, जो वन प्लस नोट आया था ना उसमें हमें जो साइड्स थी वो प्लास्टिक की देखने को मिली थी, लेकिन इस बार हमें पूरी डिजाइन ही प्लास्टिक का देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए इसका, अगर प्राइसिंग देखा जाए देन 25,000 रुपीज़ के अंदर अंदर आता है। तो अगर मैं किसी स्मार्टफोन पे 25,000 रुपये लगाऊंगा देन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उसमें मुझे ग्लास बैक तो जरूर देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है देन मैं डेफिनेटली उस स्मार्टफोन पे चाहे कितने भी अच्छे उस पे स्पेसिफिकेशंस हो मैं फिर भी वो फ़ोन परचेज नहीं करूंगा। क्योंकि अगर स्मार्टफोन को मैं इन हैंड अगर फील देखूंगा देन वो मुझे अच्छी फील नहीं आएगी, प्रीमियम फील नहीं आएगी। इसके अलावा एक और पॉइंट के बारे में बात कर लूँ कि जो प्लास्टिक बिल्ड होती है ना, अगर वो स्मार्टफोन होता है जो अगर वो हीट हो जाता है ना देन जो प्लास्टिक जो होती है वो कूल डाउन होने में काफ़ी टाइम ले लेती है। लेकिन अगर वही ग्लास बैक के बारे में बात करी जाए ना देन जो ग्लास डिज़ाइन होता है वो जल्दी जो है ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक डिज़ाइन। क्योंकि जो ग्लास डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन में जो हीट होती है वो स्प्रेड आउट हो जाती है और जल्दी जो है ठंडा हो जाता है फ़ोन एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक डिज़ाइन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए देन यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक बिल्ड दे दी और प्लास्टिक डिज़ाइन, आई लिटरली कह रहा हूँ कि मुझे प्लास्टिक डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को भी मेरे हिसाब से आप में से 60-70% लोग ऐसे होंगे जिनको प्लास्टिक डिज़ाइन नहीं अच्छा लगता है। और अगर देखा भी जाए ना, ये जो पॉइंट है जेन्युइन है कि 25,000 रुपये में अगर आपको प्लास्टिक डिज़ाइन देखने को मिल रहा है देन मैं कहूँगा कोई सेंस नहीं बन रही है यहाँ पे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है इसके कैमरा सेटअप के बारे में। वेल आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि कैमरा सेटअप में क्या खराबी है, क्योंकि इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन बात 64 मेगापिक्सल की नहीं है यहाँ पे, बात है यहाँ पे कैमरा सेंसर टाइप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई सोनी का IMX सेंसर नहीं देखने को मिल रहा या फिर सैमसंग का इमेज सेंसर नहीं देखने को मिल रहा, यहाँ पर आपको ओमनी विजन का कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। वेल अगर देखा जाए देन जो सोनी का अगर यहाँ पर इमेज सेंसर रहता या फिर सैमसंग का इमेज सेंसर रहता तो हो सकता था कि मैं यहाँ पर जो कैमरे वाला जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट ना करता। लेकिन जो ओमनी विजन है, खैर आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ओमनी विजन की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग और सोनी। तो जो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग, फिर से यहाँ पर कॉस्ट कटिंग का मामला आ गया। कॉस्ट कटिंग करते करते इन्होंने ओमनी विजन का इमेज सेंसर ले लिया, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो मैं ऑन द पेपर या फिर इसके पुराने रिजल्ट्स वगैरह देखकर बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये अपने UI के थ्रू, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, क्या पता सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट्स वगैरह कर दें, और हो सकता है कि ये सोनी का कैमरा भी पीछे छोड़ दे। लेकिन कैमरा के मामले में ना जो वन प्लस के जो स्मार्टफोन है ये अक्सर ये जो काफ़ी बेकार सी हाइप ही क्रिएट करते हैं यह, लेकिन इनके जो कैमरा रिजल्ट्स वगैरह होते हैं ना वो इतने अच्छे इंप्रेसिव नहीं होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप वन प्लस 9 सीरीज़ को ले लीजिए, हेज़लब्लेड की यहाँ पर हमें ब्रांडिंग देखने को मिली, सिर्फ हाइप ही देखने को मिली। कैमरा के अगर आप रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे ना देन इतने इंप्रेसिव नहीं है। तो सिमिलर चीज़ मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर वन प्लस नोट सी में होने वाली है, कि जो यहाँ पर ओमनी विजन का इमेज सेंसर यूज़ कर लिया जबकि इनके पास ऑप्शन था कि ये सैमसंग का या फिर सोनी का कैमरा जो है यूज़ कर सकते थे। खैर ये भी एक डाउनसाइड हो जाती है वन प्लस नोट सी के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है IP रेटिंग। और एक और फीचर है जो कि वन प्लस का टिपिकल फीचर था लेकिन इन्होंने इस बार रिमूव कर दिया है। तो बेसिकली अगर बात करी जाए देन यहाँ पर हमें 25,000 रुपये के अंदर अंदर स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सेम चीज़ हुई थी वन प्लस नोट में भी, उसमें भी हमें IP रेटिंग नहीं देखने को मिली थी। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा वन प्लस ने अपना टिपिकल फीचर यानी कि अलर्ट स्लाइडर जो है इस बार रिमूव कर दिया है अपने वन प्लस नोट कोर एडिशन से। जी हाँ दोस्तों, जो ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वन प्लस से। खैर इन्होंने नए फीचर तो क्या ऐड करने, जो एग्जिस्टिंग फीचर है उनको ही रिमूव करने इन्होंने शुरू कर दिया। खैर देखा जाए देन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी,
बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो कि प्रोसेसर के बारे में होने वाला है। वेल, अगर देखा जाए ना, देन यहाँ पर काफी लोग कहेंगे कि 25,000 रुपए के अंदर और कौन सा जो है प्रोसेसर दे दे। देन यहाँ पर आपको बता दूं कि हमें 25,000 रुपए के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। एक साल पहले का हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। इसके अलावा अगर देखा जाए ना, जो IQ Z3 है उसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि 7 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। तो अगर देखा जाए, जो वन प्लस अगर वो सच में कोई एक अच्छी अपग्रेड देना चाहते थे, देन वो 768G को चूज़ कर सकते थे। यहाँ पर अगर देखा जाए, देन जो 750G प्रोसेसर है 8 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ऊपर से अगर देखा जाए, जो परफॉर्मेंस है वो 768G की बेहतर है एज कम्पेयर टू 750G प्रोसेसर। मेरे हिसाब से इनको IQ से ही कुछ सीख लेना चाहिए था। यहाँ पर इनको 768G प्रोसेसर तो एटलीस्ट ये प्रोवाइड करते। खैर, अगर देखा जाए देन ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने एक साल पहले वाला प्रोसेसर चूज़ किया जबकि इनके पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। इसके अलावा इसके कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर नहीं देखने को मिल रहा, सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा UFS 2.1 देखने को मिल रही है। बेसिकली देखा जाए ना, UFS 2.1 और 2.2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का ही एक डिफरेंस हो जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। खैर, इसके अलावा जो 6GB रैम एंड 128GB वाला जो स्टोरेज वेरिएंट है ना, वो अभी अवेलेबल नहीं होगा, जैसा इन्होंने वन प्लस नोट के साथ में किया था ना, कि जो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो वन प्लस नोट का जो बेस मॉडल था वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता था। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली कह रहा हूँ कि इन्होंने सिर्फ हाइप क्रिएट करनी थी, वो हाइप क्रिएट कर दी है। जो इनका मेन जो है सेल का जो टारगेट है ना, वो 25,000 रुपये वाले स्मार्टफोन के लिए है। तो इसके अलावा बात करी जाए कि क्या आप लोगों को स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं। वेल, अगर देखा जाए देन यहाँ पर अगर वन प्लस जो है मार्केटिंग पर जितना इन्होंने पैसा लगाया या फिर इसकी हाइप क्रिएट करने में जितना पैसा लगाया, अगर ये उतने ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी दे देते ना स्मार्टफोन में, देन मैं कहता कि वन प्लस में हमें वो पुरानी फील देखने को मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमें फालतू की हाइप देखने को मिली। खैर, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट भी रखे हैं, नेगेटिव साइड्स भी रखी हैं। अभी अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों को ऑक्सीजन OS के कारण आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, देन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप डेफिनेटली स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। खैर, अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सोच रहे हैं कि आपको ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, देन मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल सही स्टेप ले रहे हैं और ऐसा ही आप लोगों को करना चाहिए। खैर, ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या सोचना है इसके बारे में ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो वीडियो में, कुछ मैंने पॉइंट जो है गलत बोल दिया हो, देन आप वो जो चीज़ है वो कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें वन प्लस नोट कोर एडिशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।